शिक्षक भर्ती और प्रोफेसर भर्ती की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में शर्ट पर संदेश लिखकर एनसीपी विधायक रोहित पवार आज विधान भवन में पहुंचे। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। आज और एक शर्ट दिखाया और उस पर संदेश है शिक्षक भर्ती और प्राध्यापक भर्ती। नहीं, अभी अगर आप देखा जाए तो इस महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है उसमें 60,000 जो शिक्षक है उनके पद रिक्त है और जो प्राध्यापक के पद है वो भी रिक्त है। तो हमारा सबका कहना है कि वो जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि उसके कारण हो क्या रहा है कि जो क्वालिटी होता है एजुकेशन का वो इस महाराष्ट्र में टिक नहीं पा रहा। तो ये मुद्दा लिया है और गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो विचार लिया है, जो दत्तक शाला योजना वो कैंसिल करे और समूह शाला योजना जो है वो भी कैंसिल करे, यही मुद्दा हमने लिया है। कल प्रकाश अम्बेडकर ने कहा था कि विपक्ष जो है सदन में आक्रामक नहीं दिख रहा है या मुद्दों को लेकर कहीं जिस तरह से विपक्ष नहीं होना चाहिए उस तरह की भूमिका आपकी नहीं। जो महाराष्ट्र की सरकार है जिस तरीके से काम कर रही है उनको ज्यादा गुजरात का पढ़ा है और जो भी नेता है सब ऐसे लग रहा है कि गुजरात का ज्यादा सुनते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि जो विपक्ष में हम सब नेता है या कार्यकर्ता है वो भी कहा ना कहा पे तो भी कम पड़ रहे हैं। जिस तरीके से लड़ना चाहिए, जिस स्ट्रेंथ से लड़ना चाहिए वो होते हुए दिख नहीं रहा। मराठा आरक्षण को लेकर कल देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सबसे बड़ा विरोध जो है शरद पवार की ओर से मराठा आरक्षण को हुआ। देवेंद्र फडणवीस साहब को कुछ पता नहीं चल रहा अभी क्या करे, इसलिए वो साहब पे बात करते हुए उनको लगता है कि उसकी न्यूज हो जाएगी। जिस कार्यक्रम में उन्होंने कहा उस कार्यक्रम में जो भी कार्यकर्ता वहां पे आया था उसको मोबाइल बाहर रखने बोला था। अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं पे ही फडणवीस साहब का विश्वास नहीं तो उससे समझ लो कि सामान्य जो कॉमन मैन है उन पे कितना विश्वास है। आखिरी दिन है शीत सत्र के, 2 दिन बचे हैं, क्या विधेयक को मुद्दे को लेकर कहीं बोला जाए? अधिवेशन में अगर बोलने नहीं दिया तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा ऐसे हम सबको लग रहा है। तो इसके लिए और एक संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी? संघर्ष यात्रा एक भाग था, वो एक जो भी महाराष्ट्र को समझना था वो हमने समझ लिया। अभी इसके आगे जो भी होगा, संघर्ष का एक प्रतीक आंदोलन होता है, एक पदयात्रा होती है, उपोषण होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी आगे देखते हैं कि संघर्ष का कौन सी भूमिका से हम लड़ते हैं। तो जो है मुद्दों को लेकर आगे जो है कौन सी भूमिका अपनाना पड़ता है ये आने वाले दिन में पता चलेगा, ऐसा रोहित पवार इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।